एसएसपी ऑफिस पहुंची लगभग 75 वर्षीय एक महिला ने मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि फरीदपुर के फर्रापुर की रहने वाली आमना बी ने बताया कि उनके पति की हार्ट अटैक से काफ़ी समय पूर्व मौत हो गई थी और उसका लगभग 30 वर्षीय बेटा नवाब हुसैन भी सिर में खून जम जाने के कारण बिस्तर पर है और उसके दो बेटों और एक बेटी को भी पीड़िता भीख मांग कर पाल रही है। आरोप है कि डेढ़ महीने पहले श्यामतगंज मस्जिद के पास गन्ने का रस बेचने वाले शमशाद ने उसको धक्का दे दिया जिससे पीड़िता के मुँह पर चोट आई और उसका हाथ भी टूट गया। थाने जाने पर पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए आरोपी पर मामला दर्ज किया और मेडिकल होने के उपरांत आरोपी का चालान कर दिया जिसमें उसकी जमानत हो गई। पीड़िता ने कप्तान ऑफिस पहुंचकर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उसके इलाज में हजारों रुपए खर्च हो गए पर पुलिस चौकी वाले 500 रुपए लेकर मामला खत्म करने की बात कह रहे हैं, जिस पर महिला को न्याय का आश्वासन दिया गया। वहीं शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी अरविंद कुमार ने भी महिला की पीड़ा देखते हुए उसका काफी सहयोग किया। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? धक्का मार दिया था पत्थर पर शमशाद ने, तो इन्होंने चलान भागा वहाँ की कोई जमानत पर छूट गए, फिर पैसा न दिया, मेरा नहीं बोला। कौन लोग हैं, कहाँ का मामला है ये? ये मस्जिद के हैं, पागल खान साहब हरा वाला मस्जिद है। हाँ। हाँ, वही जूस पे। कहाँ पे रहती हैं आप? मैं फैजपुर है, पोता। तो ये लोग वही के रहने वाले हैं? जी, यहाँ पागल खान से आगे है मस्जिद हरा वाला, वो जूस बेचता है, वही लड़का ने धक्का मारा था। मैं तो मांगने आए थे बेटा, मांगने आए थे, छोटे छोटे लड़का पागल है मेरा। यहाँ कप्तान साहब के आई, क्या आश्वासन मिला, अधिकारियों ने मदद करी आपकी? अब आदाद की मदद करा है मेरा। कौन? जो बच्चे सबके नाम जाने, क्या नाम है? कौन? अरविंद कुमार। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्या मदद करी आपकी? मदद करा, अब क्या कहूँ, बता दिए मेरा। Okay. बता दो बेटा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। आप थाने गई तो उन्होंने मेडिकल कराया? हाँ, पहला लेडीज पुलिस लाइन में गए, मेडिकल करा के लेडीज पुलिस आया, फिर उधर क्या पता घुस दे दिया होगा। मैं लौटने घर पर चली गई, फिर ये चलान हुआ, चलान के बाद में मुझे एक बार चलान भाग गया, जमानत पर छूटा तो मुझे नहीं बुलाया, कि अम्मा तू मुकदमा करेगी कि पैसा लेगी। इन्होंने छुट्टी कर दिया उधर, फिर हमारा पैसा नहीं दिया, फिर मैं आया इसी पास। आपको क्या कह दी चौकी पर, कितना रुपये ले लो? मेरा कह रहा 500 रुपया, मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर के हो गई, अब वो बच्चे के खर्चा दे रही है दुकान के, वो 6000 बह गए, 5000 तो ऊपर बह गई, और डॉक्टर के महंगी देता दवाई, हर चीज़ की महंगी देता, पट्टी भी करवाया, सब चीज़ करवाया, वो डिटीज में ला गई। अब आप यहाँ पर आइए, क्या मांग की आपने, क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया, कौन थे यहाँ पर, उन्होंने एसवी साहब को मैं दिखा दिए सारी बात कि मेरा ऐसे 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 बात है, मैं चाह रहे कि अगर चलान हुआ तो हमारा बुलाती थाना वाला कि ये चाहे पैसा लेगी कि तू मुकदमा करेगी, तो हमारा तुमने बुलाया तो ये जमानत पर छूट गए, फिर कहीं कोई बात नहीं, फिर आई मैं एसवी के पास, 4-5 कागज लगा दी, मैं आए फैसला हो रहा है आपके साथ। अब आप क्या मांग कर रही हैं? अब मांग कर रहे हैं हमारा पैसा दे, हमारा 10,000 की जब मैं कर्जा वाला के देंगे, बच्चे सब का लगा लगा खिलाई है, मैं दुकान से आटा चाव डॉक्टर के लगे उधार सब चीज़ कर रहे हैं, दवाई चल रही है, अभी कितना दिन तक आला है दवाई चलेगा मेरा, बूढ़ी से गट्टा टूटा हुआ, काम नहीं करता हाथ मेरा, बुढ़ा हड्डी जल्दी जुड़ जाएगा,